तो पावर बीआई में हम जो है कंपेयरिंग रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, कंपेयरिंग रिपोर्ट। हम दो साल या दो साल से ज्यादा यानी दो पीरियड या दो से ज्यादा पीरियड के बीच में हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं, तो जो हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं वो कंपेयरिंग सेल्स डैशबोर्ड है। सबसे पहले इसका हम डेटा आपको लोड करते हैं। डेटा कोई बड़ा खास बड़ा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं। आप देखेंगे किस तरह से डैशबोर्ड तैयार होता है। तो हमने यहां से डेटा लिया है, तो डेटा के ऊपर देख लीजिए, डेटा में डेट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी ऐसे प्रोडक्ट हैं, उसके बाद बस यही है सिंपल सा, कोई खास इसमें डेटा बड़ा नहीं है। ठीक है सर? ओके सर। तो मुझे इसमें इसकी जो रिपोर्ट मंथ वाइज निकालनी है, मंथ के हिसाब से कंपेयर करना। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो है ईयरली डेटा है, 2021 का डेटा है, और इसमें हमारा 2020 का भी और उससे आगे का भी डेटा है। अच्छा, इसमें 2021 का डेटा नहीं है ना? और है, 2021 है पर 2020 नहीं है, राइट? तो एक बार मैं डेटा को यहां से फिलहाल डिलीट मारता हूं, चलता हूं डेटा में। डिलीट फ्रॉम मॉडल, तो डेटा हट गया। एक बार वापस हम एक्सेल फाइल में आते हैं जहां हमारा डेटा है। तो बेसिकली दो साल का डेटा है, तो दो साल का जो डेटा है उसी को हम चेंज करने वाले हैं। बेसिकली डेटा ठीक था पर उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, इसका जैसा दिख रहा है। मैं एक कॉलम ऐड करता हूं, मुझे 2020 से डेटा चाहिए। तो मैं ईओ मंथ फॉर्मा लगाता हूं और इसमें -12 कर देता हूं। ठीक है सर, 2020 आ गया। अब इसको कॉपी करके इसके ऊपर हम पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, 2020 और 2021 का डेटा आ गया हमारा। बेसिकली मंथली प्रोडक्ट का एक सेल्स डेटा है, सिंपल सा, समझ जाइए ना, सिंपल सा सेल्स डेटा है। तो वापस जाते हैं और हम यहाँ डेटा को देते हैं एक्सेल से एंड कनेक्ट डॉक्यूमेंट डी डेटा ओपन डेटा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूं। तो इसमें साल मतलब कि ईयरली मेरे पास ईयरली प्रोडक्ट का सेल्स डेटा सिंपल दिया हुआ है, ईयरली प्रोडक्ट का सेल्स डेटा डाला हुआ है। तो इस पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे मंथ का कॉलम चाहिए मुझे, तो न्यू कॉलम में मैं यहां पे एक मिनट न्यू कॉलम और यहां पे हम मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं और इस पे मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूं। हालांकि डेट का फॉर्मूला भी डाल सकता हूं लेकिन मुझे जस्ट मंथ चाहिए, तो यहीं पे मंथ आ जाता है, मंथ को लेके एंट्री कर देते हैं तो हमारा मंथ आ जाता है। हमने ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है सर। उसके बाद मुझे इसके बगल में सारे प्रोडक्ट का टोटल सेल चाहिए, तो यहां भी हमने टोटल सेल्स हम यहां पे कर लेते हैं और टोटल सेल्स में मैं यहां पे ले देता हूं प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी प्लस प्रोडक्ट सी प्लस प्रोडक्ट डी प्लस प्रोडक्ट ई। ओके, तो टोटल सेल्स आ गए।
तो डेटा अंदर हम चेंज कर ले। अब डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले मुझे यहां ऊपर शो करने हैं करेंट, यहां पे जो एक सबसे पहले तो मुझे यहां पे एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग जो रही है ना सर, तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में यहां लिखते हैं सेल्स कंपेयर रिपोर्ट 2020 vs 2021, राइट सर। और इसकी साइज, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी साइज में बढ़ा देता हूं। और इसकी साइज यहां से इसको छोटा कर देता हूं और इसको अंडरलाइन दे देता हूं। इसकी कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं लेकिन इसके बाद में बारे में बात करेंगे, ठीक। मैं चाहता हूं कि मेरा रिपोर्ट ब्लैक टाइप का, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा फॉर्मेट है उसमें आते हैं पेज साइज पेज बैकग्राउंड, तो पेज बैकग्राउंड में दे देता हूं ब्लैक। ट्रांसपेरेंसी 100% है उसको हटा देता, ओके सर। और ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है इस पे आते हैं और यहां हम फॉर्मेट में जाते हैं, इसमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, इसकी बैकग्राउंड हम ऑफ कर देते हैं और इसकी जो कलर है यहां पे ये हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस साइड से रखना चाहूंगा और इसको छोटा था छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा सही नहीं। छोटा हो गया, हाँ करेंगे उसका भी, हमने करने के पीछे रीजन है सर, बताता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे कुछ टोटल्स दिखाने हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ बताना है कि करेंट मंथ, करेंट ईयर के मंथ का क्या है, करेंट ईयर मंथ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स एक और एंट्री करूंगा यहां से और यहां लिखता हूं करेंट ईयर मंथ, और मैं जो रिपोर्ट जो बना रहा हूं वो मंथ के हिसाब से वो चेंज होता है। और इसकी बैकग्राउंड मैं हटा देता हूं और कलर व्हाइट कर देता हूं और सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे आएगा टोटल, मतलब कि सेल्स टोटल सेल क्या हुआ है, राइट सर। तो उसके लिए हमें यहां होम पे आके क्विक मेजर बनाना पड़ेगा और क्विक मेजर में मुझे यहां पे टोटल सेल 2021 और यहां पे हम देंगे सम और सम में टोटल सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे इसको हम रखेंगे, डायरेक्ट नहीं रखेंगे, हम इसको कार्ड में ले जाएंगे और कार्ड में हम इसको रखते हैं। आ गया 77 के जी, ओके। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। अब इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं और इसकी बैकग्राउंड जो है हमारा यहां से रिमूव कर देते हैं,
कर दिया हमने, जी और इसकी जो हमारा कैटेगरी है, कैटेगरी का कलर हम व्हाइट कर देते हैं, और जो डेटा लेबल है उसकी भी कलर हम यहाँ व्हाइट कर देते हैं। अब यहां पे मुझे जो है करेंट मंथ का चार्ट चाहिए, समझे? करेंट मंथ का क्या चाहिए, जो भी मंथ करेंट, ये तो ओवरऑल है ना। तो जैसे कि मैं यहां पे एक चाहता हूं कि मैं यहां एक स्लाइसर ऐड करूं, और स्लाइसर में यहां रखना चाहता हूं, और इसमें मैंने क्या किया, मंथ को उठा के डाल दिया, और मंथ को उठा के डालने के बाद मैंने इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर है ये भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, और स्लाइसर की जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर ब्लैक की जगह पे व्हाइट कर देता हूं, और आइटम्स है, आइटम्स की बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ओके। तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा मंथ। अब यहां पे दिक्कत और भी है कि इसमें ये नहीं दिख रहा है, मंथ नहीं दिख रहा है ना, तो इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं, आइटम्स सिलेक्शन कंट्रोल, नहीं आइटम्स, आइटम्स का फॉन्ट कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर देता हूं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ब्लैक रहेगा, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने यहां पे अप्रैल सेलेक्ट किया तो अप्रैल का सेल आएगा, मंथ सेलेक्ट किया मंथ का सेल आएगा, राइट, जो मंथ में सेलेक्ट करूंगा उसका सेल यहां पे आएगा। बट मैं यहां पे जो करना चाहता हूं वो करना ये चाहता हूं कि यहां पे मुझे टोटल दिखे सेल का एक ट्रेंड मैं देखना चाहता हूं, यहां पे 2021 का ट्रेंड देखना चाहता हूं, बात समझे? तो कैसे करें 2021 का, क्या 2021 का सेल कैसे करें? तो एक याद है मैंने यहाँ पे एक डेट बिटवीन का फॉर्मूला बताया था, याद है सर? डेट बिटवीन, तो न्यू टेबल पे आते हैं और यहाँ पे हम 2021 को रखते हैं, और यहाँ पे हम डेट बिटवीन का फॉर्मूला लेते हैं, और डेट बिटवीन में हम यहाँ पे डालते हैं डेट्स स्टार्ट डेट एंड डेट। तो डेट्स के लिए हम यहाँ पे डेट लेते हैं यहाँ, राइट और उसके बाद स्टार्ट डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 31 दिसंबर 2021, ठीक है, और यहां पे इसको इंटर प्रेस करते हैं, ये डेट आ गए। अब मुझे इसकी टोटल सेल चाहिए, तो इसके लिए एक नया कॉलम ऐड। अच्छा सर, इसमें जो जीरो जीरो आ रहा है इसको कैसे गायब करेंगे? हाँ, अभी जैसे कि जीरो जीरो आ रहा है, इसके लिए फॉर्मेट में होगा, यहां पे देखिए फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में यहां पे डेट एंड टाइम है, और यह आपका फॉर्मेट, तो आप यहां पे फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ, ये आपका फॉर्मेट है, तो DDMYY, ठीक है। अब न्यू कॉलम पे मुझे इसका डेटा चाहिए, टोटल चाहिए। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि मेरे डेटा में ये सब यूनिक है ना सर, तो मैं यहां पे टोटल सेल, मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू, जैसे एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू होता है। सर सेल्स की स्पेलिंग गलत कर दी, ओ सॉरी। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में सबसे पहले बताता है कि कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए, तो मुझे चाहिए टोटल सेल। उसके बाद सर्च किस कॉलम में करना है,
तो मैंने बोला कि सर्च करना है हमें मंथ वाले कॉलम में, और हमें वैल्यू वन क्या चाहिए, मैं क्या वैल्यू चाहिए आपको? तो हमने बोला हमें टोटल चाहिए, नहीं टोटल तो है ही, हमने दे दिया हमें डेट 2021 का डेट के अकॉर्डिंग करेगा। एक मिनट एरर आ गया, ओ सॉरी, डेट इज इक्वल टू मंथ, डेट इक्वल टू मंथ। इक्कीस का डेट और सीट वन का टोटल सेल्स, क्योंकि 2021 इसमें जो है हमारे पास डेट है, ये हमारा मंथ मंथ ही का ना सर, तो हमें इसके इसकी अकॉर्डिंग चलना है। तो हमने छोटी सी गलती की है सर, हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू और टोटल सेल चाहिए, और सर्च जो है सीट वन के मंथ में नहीं, सीट वन के डेट में होना चाहिए। मंथ जनवरी फरवरी है ना सर? वही तो सर, वही तो कह रहा था मैं, डेट। हाँ यहाँ पे डेट होगा, अब रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक लाइन चार्ट में ले रहा हूं, लाइन चार्ट पे मैं यहां डेट और यहां सेल दे देता हूं, ठीक है जी। ये देखिए ईयरली है, मैं इसको कर दिया मंथली में कन्वर्ट, मंथली कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसका कोई हेडिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं जस्ट ए शो करना है साइड में, यहाँ पे छोटे एरिया, छोटे एरिया में। तो मुझे इसमें एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे वाई एक्सिस भी नहीं चाहिए, और डेटा कलर ठीक है, डेटा लेवल नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है सर? अब ठीक है जी। हेलो, हेलो जी, बोलिए। क्लास ठीक है, एक मिनट पहले पूछ लीजिए झाजी से। डेटा लेबल रहा है सर, अच्छा यहाँ अप्रैल सिलेक्ट है इसलिए, नहीं इससे तो कोई लिंक इसका नहीं है। एक मिनट दोबारा, दिक्कत हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, लिया लाइन चार्ट को, डेट्स को लिए, और हमने टोटल सेल्स को लिए, और यहाँ पे हमने इस तरह का जो बना हुआ रहा है इसके जगह पे मैंने इसको क्लिक किया, एक बार इसको क्लिक किया, तो ये हमारा मंथ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रही है, इससे बेटर है कि हम डेटा में आते हैं और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, डेट वाइज जो इस तरह से दिख रहा है ना, हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करके यहाँ मंथ कर देते, क्योंकि मैं रिपोर्ट हमें मंथ वाइज चाहिए ना सर, तो उसका आगे भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ हम मंथ करते हैं और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करके इसका मंथ देते हैं, यहाँ सिर्फ मंथ आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तब क्या होगा,
मैं यहाँ पे लाइन चार्ट में यहाँ मंथ एंड टोटल सेल डालूंगा, मंथ वाइज टोटल सेल। ठीक है जी, क्लियर है दे. तो अप्रैल टू जनवरी यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई, ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए ऊपर। नहीं, अप्रैल सितंबर में कंटिन्यूस नहीं है सर, ये शॉर्टेड हो गया है, ये फोकस मोड पे आते हैं और इसकी शॉर्टेड नहीं होना चाहिए ना ये। तो एक्सपोर्ट डेटा शॉर्टेबल शॉर्ट है, शॉर्ट बाय मंथ, फिर ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, देखिए फिर ये आ गया अल्फाबेटिक आ गया। ये अल्फाबेटिक शॉर्ट क्यों आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च डेट के हिसाब से करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है जी, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग चला जाता है ना इसलिए। ये ठीक है ना, जनवरी टू दिसंबर जी। चल इसकी मैं बैकग्राउंड इस बाकी से ये डिलीट कर देता हूँ, एक चीज इसको कर दिया सर, टाइटल बैकग्राउंड सब हो गया, इसको छोटा सा करते हैं और यहां ले जाते हैं। ठीक है सर, ऊपर वाली हेडिंग जो है हमारा उसको लेके इसको इसमें अगला ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब मुझे इसमें हो गया करेंट मंथ, अब मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है लास्ट मंथ के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट ईयर। ठीक है सर, ठीक। इसको उठाना है मुझे यहाँ ऊपर में हटा देना, और यहाँ पे इसका कलर जो है हमें व्हाइट कर देना है, बोल्ड और साथ में कलर व्हाइट, और अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, और यहाँ मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे अगेन मुझे सेम फीचर जो है हमने किया हुआ है, सेम ये जो किया हुआ है 2021 का, ऐसे मुझे 2020 का भी चाहिए, तो कॉपी टेबल हम कर देते हैं। टेबल क्या यहाँ पे 2020 करना है बस। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हम कॉपी टेबल होगा नहीं हो दूसरा ले लो। सीट बंद में आएगा उसकी टेबल। यहाँ पे हम 2020 करते हैं और सेम हम क्या करेंगे, डेट बिटवीन और किसके अंदर, मंथ के अंदर ही होगा सर 2020। शीट शीट पे जाना ना, नहीं शीट के मंथ डेट सॉरी डेट, और इसमें मुझे देना है स्टार्ट डेट 1 जैन 20 से यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 डेट्स आ गए सर। और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने बताया था चेंज कहाँ से करना है, यहाँ से कर दो सर, कोई सब ले लो यहाँ से इधर डी डी वाई वाई वन। ठीक है, न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम टोटल सेल्स, इसमें क्या करेंगे हम
लुकअप वैल्यू, तो कब वैल्यू, हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो टोटल सेल चाहिए किसका, सीट वन का। सर्च किस कॉलम में करना है, तो डेट सीट के डेट कॉलम में, और 2020 के यहां पे बात करते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या चाहिए, तो डेट 2020 के, ठीक है, डेट आ गया। चलिए अब इसको भी हम सेम चीज करते हैं। तो यहां पे अब एक तो है कि यहां पे जो टोटल आपको यहां ऐसा समझे, तो टोटल चाहिए, नंबर चाहिए, तो चार्ट तो हम बाद में लगाएंगे, तो तुम्हें वैल्यू चाहिए ना सर, तो वैल्यू कहां से आएगा, तो उसके लिए हमें मेजर्स पे फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, मुझे हमें फॉर्मूला चाहिए जिसमें 2020 का टोटल होना चाहिए, समझे, 2020 का टोटल होना चाहिए। सर कहाँ गए, एक मिनट आराम से। यहां पर हम देते हैं 2020, अब 2020 का टोटल भी चाहिए, अप्रैल का होना चाहिए, अब जो मंथ हम यहां सेलेक्ट कर रहे हैं ना सर, यहीं पे वो भी होना चाहिए सर, वो मंथ हमारा, उसके लिए हमें यहां डेटा में फिर एक नया कॉलम ऐड करना होगा, इसमें सीट में ईयर के ये कॉलम, यहां पे ईयर, ईयर यहां पे डेट, डेट और यहां से हम ईयर को सिलेक्ट करके एंटर मारते हैं, ईयर आ गया। अब यहां पे मेजर्स पे आते हैं, न्यू मेजर्स, और न्यू मेजर्स में यहां पे 2020 सेल्स, और यहां पे देते हैं फॉर्मूला सम एक्स, क्या बताया था, सम एक्स में लगाएंगे फिल्टर फॉर्मूले, फिल्टर में होगा डेटा हमारा सीट वन, और यहां पे होगा ईयर इज इक्वल टू 2021, ठीक है सर, सॉरी हमें इसमें इसमें चीज अलग हो गया, समेक्स को बताना भूल गया ना कि किसका टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए हमें टोटल सेल का, टोटल सेल आ गया। अब यहाँ पे हम करते हैं एक कार्ड लेते हैं, और कार्ड में हमारा ये देखिए टोटल सेल करके आ रहा होगा, ये टोटल सेल है, ईयर है, 2020 किसमें बना दिया उन्होंने, ये 2020 में इसमें बना दिया, 2020 वाले टेबल में बना दिया, देखिए छोटी सी प्रॉब्लम है, फिर इस स्लाइसर में नहीं आएगा, हमने गलत कर दिया, मुझे फॉर्मूला को कॉपी करना पड़ेगा, ये चीज मुझे यहां रखनी है, इसमें करना है, हमने मेजर्स लेते समय ध्यान नहीं दिया था कि हमारा कौन सा टेबल एक्टिवेट है, टोटल सेल्स 2020 खुला गया, ठीक है, अब इसको उठा के इसमें रखना, तो 2020 है, अप्रैल का है, समझे, ध्यान रखिए, हम ऐसे इसलिए किए ताकि हमें पता चल जाए कि 2020 अप्रैल में क्या सेल, समझे, और इसको हम यहां से छोटा करते हैं,
और यहाँ हम आते हैं और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, टाइटल नहीं चाहिए इसमें, डेटा लेबल इसके कलर व्हाइट, इसके बाद आता है कैटेगरी, कैटेगरी के भी कलर व्हाइट। अब वापस हम यहाँ पे लाइन चार्ट लेते हैं और लाइन चार्ट में हम 2020 के डेट्स को रखते हैं और फिर इसके टोटल सेल्स को रखते हैं, बड़ा करके इसको एक बार में मंथली कन्वर्ट करते हैं और मंथली कन्वर्ट करने के साथ साथ हम इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं। वाई एक्सिस सारा जो है सारा एक बार हटा देता हूँ, टाइटल बैकग्राउंड सब हटा दिया और फिर इसको छोटा करते हैं और इसके ऊपर यहाँ फिट करते हैं, ठीक है। इससे मतलब देखिए ये क्या है कि अप्रैल महीना में हमारा टोटल कंपेयरिंग हो रहा है कि 1910 था और ये 1410 है और इसका सेल्स हमारा बढ़ते हुए गया है और फिर घटते हुए गया और लास्ट में बढ़ा है, इसका सेल्स शुरू से कम था, बीच में थोड़ा सा बढ़ा है और लास्ट में मतलब कि 2020 में हमारा लास्ट क्वार्टर जो था वो सही था, इससे ये पता चल रहा है, ठीक है सर। लास्ट क्वार्टर ठीक था इससे पता चल रहा है, तो इसको मैं एक बार सेव कर देता हूं और हम कल जो है इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक सर। अच्छा सर, फॉर्मूले नहीं कराएंगे फिर आप डैशबोर्ड कराएंगे? सर फॉर्मूले ही करा रहे हैं ना, बीच बीच में डैशबोर्ड ये तो बताना पड़ेगा ताकि तो पता चलेगा ना आपको फॉर्मूला का यूज किया, तभी तो फॉर्मूला में आप सीरियस होंगे। जी 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 बिल्कुल सही। अभी मैं आपको क्या कराया, अभी सही फॉर्मूले ही तो कराया सारा मैंने आपको, अभी हमें क्या किया फॉर्मूले पर है ना सारे जी, बट उस फॉर्मूले पे यूज करना भी साथ साथ सिखा दिया हूँ ताकि आप उस पे पता चले कि हाँ कुछ तरह से होता है, ऐसे भी होता है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू।